हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून, वेलकम्स टू माय यूट्यूब चैनल द एजुकेशनिस्ट। और मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त एंड योर केमिस्ट्री टीचर अर्शद इनाम। और हम बात कर रहे थे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में। पिछली वीडियो आपने मेरी देखी, उसमें आपने देखा कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं और कितनी तरह की होती हैं, और हमने दो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को उसमें एक्सप्लेन भी किया था। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आई होगी। तो आगे देखते हैं हम कॉलिगेटिव नंबर 3 और कॉलिगेटिव नंबर प्रॉपर्टीज नंबर 4। ठीक है, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारी वन थी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और दूसरी हमारी थी एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो आपने कैसे देखा कि एक सॉल्यूशन बन जाने पर एक सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कैसे कम होता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट कैसे बढ़ता है। तो आज हमारे पास नंबर 3 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब भी किसी सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला जाता है तो उसका वेपर प्रेशर कम हो जाता है, जिसकी वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा और उसका फ्रीजिंग पॉइंट अपोजिटली घटेगा। बिल्कुल एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट की तरह ही है ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। उसकी फिगर, इसका एक्सप्रेशन, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, न्यूमेरिकल सब सेम है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फ्रीजिंग पॉइंट की। तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए सब्सिस्टेंस इज द टेम्परेचर एट विच इट्स स्टार्ट्स टू फ्रीज। ये बेसिकली लिक्विड्स की प्रॉपर्टी होती है, यानी कि जिस तापमान पर वो जम जाता है उसको फ्रीजिंग पॉइंट कहलाता है। या दूसरी, अगर हम वेपर प्रेशर के कंसर्न में डेफिनेशन देखें तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड इज द टेम्परेचर एट विच इट्स वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉलिड फेस। ठीक है, तो अब हम यहाँ फिगर देखते हैं। फिगर अगर हम देखें तो यहाँ पर ये प्लॉटिंग की है, ये प्लॉट खींचा है टेम्परेचर और वेपर प्रेशर के बीच। तो मान लीजिए हमारा कोई भी सॉल्वेंट है और उसका वेपर प्रेशर इतना है, जब हम उसका टेम्परेचर डाउन करते हैं तो उसका वेपर प्रेशर भी डाउन होता है और इस तरीके से यहाँ पर आकर वो फ्रीज हो जाता है। तो उसका मतलब ये टी नॉट एफ दिया हुआ है, वो प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट है। अब अगर हम उसमें सॉल्यूट डाल देंगे, नॉन वोलेटाइल सॉलिड सॉल्यूट, तो मान लीजिए उसका वेपर प्रेशर इतना हो गया, कम हो जाएगा, होएगा, है ना। तो जब उसको हम ठंडा करेंगे, उसका टेम्परेचर हम नीचे डाउन ले जाएंगे, तो उसका वेपर प्रेशर घटेगा और यहाँ पर जाकर वो फ्रीज हो जाएगा। तो टी एफ यहाँ पर दिया हुआ है सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम टी नॉट एफ और टी एफ के बीच डिफरेंस निकालें तो वो जो डिफरेंस आएगा वो आपका कहलाएगा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। बेसिकली इसको डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू टी नॉट एफ माइनस टी एफ से कैलकुलेट करते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं भाई, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। यानी कि सॉल्वेंट का सॉल्यूशन बन जाने के बाद जितना भी वेपर फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा उसको हम कहेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। सिमिलर टू द बॉइलिंग पॉइंट, देखा गया है कि एक्सपेरिमेंटली के जो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट होता है, डेल्टा टी एफ होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है सॉल्यूशन की मोलैलिटी के। और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाने के लिए हमने यहाँ पर के एफ एक कांस्टेंट लिया, तो बेसिकली हमारी इक्वेशन बन जाएगी डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू के एफ डॉट मोलैलिटी। यहाँ पर जो के एफ है वो पिछली वीडियो में आपने देखा बॉइलिंग पॉइंट में भी वहाँ पर एक कांस्टेंट था, इसी तरह से ये भी एक कांस्टेंट है, इसको कहते हैं हम फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट या मोलल आपका डिप्रेशन कांस्टेंट, या बेसिकली हम इसको एक और नाम देते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। इसकी यूनिट बिल्कुल सेम है, केल्विन किलोग्राम पर मोल। और ये आज इसकी वैल्यू वैसे तो न्यूमेरिकल्स में गिवन होती है, लेकिन आज मैं आप लोगों के साथ एक टेबल भी शेयर करूंगा। आगे बढ़ते हैं। आपने देखा कि जो आपकी वैल्यू है वो है डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू के एफ डॉट मोलैलिटी। तो अगर हम इसमें यहाँ पर मोलैलिटी की वैल्यू को पुट अप कर दें जो कि यहाँ पर दी हुई है, तो आपकी जो इक्वेशन है वो इस तरह से हो जाएगी। और अगर हम M2 और डेल्टा TF को रीअरेंज करें तो आपका ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आता है। ये बिल्कुल सेम है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट की तरह, बस वहाँ पर डेल्टा TF की जगह KB है, डेल्टा TB है और KF की जगह वहाँ पर KB है। तो बेसिकली ये सब चीज़ें वही हैं। और ये वो लिस्ट दी हुई है जिसमें आपके क्रायोस्कोपिक और इबुलोस्कोपिक कांस्टेंट की वैल्यूज़ दी हुई हैं। ये वैल्यूज़ इबुलोस्कोपिक कांस्टेंट के लिए हैं और ये आपकी क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट के लिए हैं। वैसे तो मैंने पहले भी आपको बताया कि ये सब दिया हुआ होता है गिवन में, लेकिन वाटर हो गया आपका, एथेनॉल हो गया, बेंजीन हो गया, क्लोरोफॉर्म हो गया, जो मेन मेन आपके सॉल्वेंट हैं उनकी इन सब वैल्यूज़ आपको लर्न होनी चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट के ऊपर बेस्ड जो न्यूमेरिकल्स हैं। यहाँ पर दिया है कि 45 ग्राम ऑफ एथिलीन ग्लाइकॉल इज मिक्सड विद 600 ग्राम ऑफ वाटर। तो कैलकुलेट ए, यहाँ पे दो चीज़ें पूछी गई हैं, द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन पूछा है और नंबर 2 द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन पूछा है। तो आपको पता है कि फ्रीजिंग पॉइंट मोलैलिटी से कैसे डिफरेंट रहती है, तो हम सबसे पहले सॉल्यूशन की मोलैलिटी निकालेंगे। तो 45 ग्राम दिया हुआ है, तो पहले नंबर ऑफ मोल में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। गिवन मास ऑफ मोलर मास
0.62 एथिलीन ग्लाइकोल का मोलर मास होता है। तो हमने यहाँ पर देखा, कैलकुलेट किया, 0.73 मोल्स आ जाता है। उसके बाद 600 ग्राम यहाँ पर मास दिया हुआ है सॉल्वेंट का, उसको हम किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 0.6 आ जाएगा। और यहाँ पर मोलैलिटी हमने कैलकुलेट की, नंबर ऑफ मोल अपॉन मास ऑफ द सॉल्वेंट इन केजी, तो ये 1.2 मोल पर केजी आपकी मोलैलिटी आ जाएगी। अब इसको हम फार्मूले में इंप्लीमेंट कर देंगे। फार्मूला हमारा था डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ मल्टीप्लाई 1.2 मोल पर केजी। अब देखिए यहाँ न्यूमेरिकल्स में वाटर के लिए जो आपका क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट उसकी वैल्यू नहीं दी है, लेकिन हमें याद है इसलिए हमने लिख दी 1.86 मल्टीप्लाई 86 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स मल्टीप्लाई 1.2 मोल पर के जी, ये मोलैलिटी आ जाएगी। तो 2.2 इसका डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट आ गया। अब पहली चीज़ इसने पूछी है कि डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट बताइए, ये निकल गया। दूसरा पूछा है कि सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट, अब आपको बताया कि वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 273.15 केल्विन होता है। सॉल्यूशन बन जाने के बाद 2.2 केल्विन कम हो गया तो उसको घटाएंगे तो 270.95 इसका फ्रीजिंग पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद मोलर मास भी पूछा जाता है कई बार, नेक्स्ट न्यूमेरिकल में मोलर मास दिया हुआ है 1 ग्राम ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट डिजॉल्व इन 50 ग्राम ऑफ बेंजीन लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 0.40 केल्विन, द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट फॉर बेंजीन यहाँ पर गिवन में है। मोलर मास उसने जब पूछने के लिए कहा है तो वो जो ऊपर हमने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन प्रूव किया था उसमें सारी वैल्यूज रख देंगे। तो ये क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट की वैल्यू है, ये W2 है, ये 1000 दिया हुआ है ऑलरेडी न्यूमेरिकल में, 0.40 ये डिप्रेशन पॉइंट है और ये 50 ग्राम W1 है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 256 ग्राम आपका मोलर मास आ जाएगा सॉल्यूशन का। तो इस बिहाफ पर उस दोनों तरह की बेस न्यूमेरिकल्स के बेस न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। तो अगर आपको लाइक वीडियो मेरा पसंद आ रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलें और इसको ज़रूरतमंद तक शेयर भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि बहुत सारी वीडियो आपको इसी तरह से वहाँ पर मिल जाएगी। और फ्यूचर में आने वाली जितने भी वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन जल्दी पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नंबर 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात करें तो ऑस्मोटिक एंड ऑस्मोटिक प्रेशर होती है। अब पहले ऑस्मोटिक प्रेशर को जानने से पहले हमें ऑस्मोसिस के बारे में जान लेना बहुत ज़रूरी है। हमारे आसपास ऐसी बहुत सारी फिनोमिनन होती है जिसके अंदर, फॉर एग्जांपल जैसे कच्चे मैंगो को आप अचार के मैंगो को नमक के पानी में रखते हैं तो वो श्रीवल हो जाते हैं, मतलब ठीक है उनके अंदर का पानी सारा बाहर निकल आता है। या मुरझाए हुए फूलों को आप फ्रेश वाटर में रखेंगे तो वो खिल जाएंगे। या ब्लड सेल्स को आप सरीन वाटर में रखेंगे तो वो या तो श्रिंक हो जाएंगी या स्वेलप हो जाएंगी। तो ये जितनी भी फिनोमिनन है उसके अंदर आप देख सकते हैं कि किसी ना किसी तरह की एक मेम्ब्रेन यूज़ हो रही है वहाँ पर, या तो वेजिटेबल मेम्ब्रेन होगी या फिर एनिमल मेम्ब्रेन होगी, जैसे पिग ब्लैडर उसको हम बोलते हैं SPM सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। इसका फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ पर दिया हुआ भी है। मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर एक बीकर है, इसके अंदर वाटर भरा हुआ है सॉल्वेंट और उसके अंदर हम एक ट्यूब जिसके अंदर एक सॉल्यूशन होता है वो लगाते हैं और उसके नीचे यहाँ पर हम SPM भी लगा देंगे, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का काम क्या होता है कि ये सिर्फ सॉल्वेंट के बहुत छोटे पार्टिकल्स को ही अंदर जाने के लिए अलाउ करता है। सॉल्यूशन में से जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं, जो बड़े पार्टिकल हैं, उनको ये बाहर नहीं आने देता। इसलिए क्या होगा, इसका जो लेवल है वो ऊपर की तरफ बढ़ता जाएगा, यानी कि सॉल्वेंट में से जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल हैं वो सॉल्यूशन में जा रहे हैं। तो बेसिकली ये काम होता है आपका सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का। अगर उसके स्ट्रक्चर की बात करें तो कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर होती है, जैसे हनी बी का जो होता है इस तरीके से, ये पोर्स जो होते हैं इनमें से सॉल्वेंट के छोटे पार्टिकल ही आर पार जा सकते हैं, सॉल्यूट के पार्टिकल्स नहीं जा सकते, ठीक है। तो इसको सेमी परमेबल मेम्ब्रेन या SPM कहते हैं, ठीक है भाई। तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो दिस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम सॉल्वेंट टू द सॉल्यूशन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस, ठीक है। ऑस्मोसिस आपको समझ में आया। अब अगर ऑस्मोसिस प्रेशर की बात करें तो ये आपको डायग्राम देखना होगा, ये फिगर दिया हुआ है, ये डायग्राम है, इसमें इस तरफ में सॉल्यूशन भरा हुआ है और इस तरफ में आपका सॉल्वेंट भरा हुआ है, ये दोनों सेपरेट हैं SPM से। तो क्या होगा, सॉल्वेंट के पार्टिकल सॉल्यूशन की तरफ जाना शुरू करेंगे जिससे यहाँ का लेवल बढ़ेगा, यहाँ का लेवल घटेगा। तो अगर हम सॉल्यूशन के ऊपर विद द हेल्प ऑफ द पिस्टन थोड़ा इतना प्रेशर लगाएं कि जितना सॉल्वेंट इधर से इधर आया है वो वापस इधर ही चला जाए और प्रोसेस को अंडू किया जाए, तो ये उस सॉल्यूशन का क्या कहलाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाएगा। तो हर एक सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर अलग अलग होता है, हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ऑस्मोसिस या ऑस्मोटिक प्रेशर समझ में आया होगा। तो और दूसरी प्रॉपर्टीज़ की तरह ऑस्मोटिक प्रेशर भी एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ है और ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स पर, ना कि उनकी आइडेंटिटी पर। कोई भी हो, किसी भी एलिमेंट, किसी भी कंपाउंड का पार्टिकल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस नंबर ऑफ पार्टिकल्स वहाँ पर मैटर करते हैं।
अब अनलाइक आपकी एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है वो मोलैरिटी के प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि क्वेश्चन यहाँ पे दी पाई, यहाँ पर इन्होंने पाई से रिप्रेजेंट किया है ऑस्मोटिक प्रेशर को, तो पाई इज इक्वल टू 3 RTC। यहाँ पर मोलर कॉन्सेंट्रेशन है, आर गैसेस कॉन्स्टेंट है और टी टेम्परेचर है। अब लिक्विड्स के केस में गैस कॉन्स्टेंट दिया, जी हाँ, क्योंकि जो डायलूट सोल्यूशंस होते हैं वो गैसेज की तरह बिहेव करते हैं, इसलिए यहाँ पर ये इक्वेशन आई। अब कॉन्सेंट्रेशन आपकी मोलैरिटी में आया तो सी की जगह हम यहाँ पर रखेंगे N2/V, ये हो जाएगा नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम इन kg। इसको और एक्सटेंड करेंगे, नंबर ऑफ मोल को हम W2/M2 कर देंगे और RT, ये इक्वेशन हमारी ऐसी हो जाएगी। इसको रीअरेंज करेंगे तो हमारा ये ऐसा आएगा। अगर हमें ऑस्मोटिक प्रेशर पता है तो हम सॉल्यूट का मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बेसिकली यही आपकी एक इक्वेशन है ऑस्मोटिक प्रेशर से जुड़े न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने की। ठीक है, तो अब यहाँ पर कुछ चीज़ें दी हुई हैं, 3 वर्ड यूज़ किए हैं, आपका आइसोटोनिक सॉल्यूशन है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है और आपका एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस होते हैं। तो ये बेसिकली क्या होते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो मैं इसको आपको विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए आपके पास ऐसे दो कंटेनर आपस में जुड़े हुए हैं SPM से, ये SPM है यहाँ और इन दोनों के अंदर सॉल्यूशन भरे हुए हैं। तो ऐसे दो सॉल्यूशन जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल होता है SPM से सेपरेट करने पर, उनमें कोई ऑस्मोसिस नहीं होता क्योंकि दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है ना। तो ऐसे दो सॉल्यूशन जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है तो वहाँ पर ऑस्मोसिस नहीं होगा। ऐसे सॉल्यूशन क्या कहलाते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहलाते हैं। आइसो का मतलब सेम, टोनिक का मतलब प्रेशर। ठीक है, मान लीजिए इसकी कॉन्सेंट्रेशन आपकी कम है और इसकी कम है, इसकी ज़्यादा है, तो क्या होगा, ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन से फ्लो होगा कम कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। ठीक है, तो अगर हम देखें ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन वाले सॉल्यूशन को हम कहेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, और जिस सॉल्यूशन का कंपैरेटिवली या रिलेटिव वेपर प्रेशर कम होगा उसको हम कहेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे। तो ये तीनों कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गए होंगे। अब यहाँ पर एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है ऑन बेस्ड ऑफ द ऑस्मोटिक प्रेशर, तो 200 cc ऑफ द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ प्रोटीन कंटेन 1.26 g ऑफ द प्रोटीन। द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सच सॉल्यूशन एट 300 K इज फाउंड टू बी 2.57 × 10⁻³ बार। तो कैलकुलेट द मोलर मास, तो पाई से यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है क्यूबिक सेंटीमीटर में ml में, जिसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे। टेम्परेचर दिया हुआ है, R की कांस्टेंट की वैल्यू आप लर्न कर ले, 0.083 L/mol मोल इनवर्स कैल्विन इनवर्स। उसको हम दिए गए एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में सारी वैल्यूज रखेंगे, ये आपका W2 हो जाएगा, ये R हो जाएगा, ये T हो जाएगा, ये आपका पाई हो जाएगा और ये बेसिकली वॉल्यूम है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 61022 g/mol आ जाएगा। तो ये है बेसिकली इस प्रोटीन का मोलर मास। ठीक है, अब उन फिनोमिनन की बात करें, जैसे जो कच्चा आपका आम होता है वो श्रीवल हो जाता है, वो इसलिए हो जाता है क्योंकि बेटा आम के अंदर कॉन्सेंट्रेशन आपकी अलग है और उससे बाहर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। अगर नमक के पानी में रखेंगे तो क्या होगा, आपकी लोअर कॉन्सेंट्रेशन से ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन तक आपका सॉल्वेंट पार्टिकल चला जाएगा। तो आम के अंदर से जो आपका वाटर है वो बाहर आ जाएगा क्योंकि बाहर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। ठीक है, इसलिए वो श्रीवल हो जाते हैं। इसी तरह से जो आपके ब्लड सेल्स होती हैं, जैसे ब्लड सेल्स RBC को हम नमक के पानी में रखें तो वो भी पिचक जाएंगे क्योंकि उनके अंदर का कौन वो आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। और अगर हम RBC को वाटर के अंदर रखें तो वो स्वेलअप हो जाएंगे, फूल जाएंगे, क्योंकि बाहर सिर्फ प्योर सॉल्वेंट है और RBC के अंदर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है यानी कि सोल्यूशन है, तो इसलिए बाहर से अंदर चला जाता है। तो ये सब चीज़ें बाहर से SPM की किसी ना किसी फॉर्म से जुड़ी रहती हैं। एक बीमारी भी होती है, एक वो भी होती है जिसमें जो टिश्यू होते हैं, एनिमल टिश्यू या इंटरनल के स्पेस होते हैं, वहाँ पर टिश्यूज़ का सारा वाटर चला जाता है विद द हेल्प ऑफ द ऑस्मोसिस, जिससे स्वेलनेस आती है। इस बीमारी को हम एडेमा कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी ऑस्मोटिक प्रेशर या ऑस्मोसिस ही रिस्पॉन्सिबल रहता है। और अब बात करते हैं आज के टॉपिक के, हमारे लास्ट टॉपिक को, रिवर्स ऑस्मोसिस। देखिए ऑस्मोसिस में क्या होता है, लोअर कॉन्सेंट्रेशन से ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन की तरफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का फ्लो होता है और SPM रिक्वायर होती है वहाँ। तो अगर हम सॉल्यूशन पर इतना प्रेशर डालें कि ऑस्मोसिस की जगह रिवर्स ऑस्मोसिस हो, तो इसको प्रोसेस को हम रिवर्स ऑस्मोसिस कहेंगे। अमेरिका और बहुत सारी जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो वाटर, प्योर वाटर, फ्रेश वाटर और आपका सॉल्ट इसी मेथड द्वारा बनाते हैं। जैसे देखिए ये डायग्राम दिया हुआ है, यहाँ पे सॉल्ट वाटर भरा हुआ है, यहाँ पे फ्रेश वाटर और दोनों SPM से सेपरेटेड हैं। तो अगर हम इस पर विद द हेल्प ऑफ द पिस्टन यहाँ इतना प्रेशर डालें कि रिवर्स ऑस्मोसिस हो, यानी कि इधर से इधर वाटर का मॉलिक्यूल्स का फ्लो हो, तो ये रिवर्स ऑस्मोसिस कहलाएगा। इससे हमें यहाँ पर सॉल्ट की अच्छी कॉन्सेंट्रेशन मिल जाएगी और यहाँ पर फ्रेश वाटर मिल जाएगा।
तो ये बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट एक इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाने वाला मेथड है जिसमें हमें बेनिफिट होता है। तो सेमी पर्मेबल मेम्ब्रेन अलग अलग तरह की होती है, एनिमल मेम्ब्रेन जैसे पिग ब्लैडर होता है और आपका वेजिटेबल मेम्ब्रेन होती है, इसी तरह से कुछ सिंथेटिक मेम्ब्रेन भी होती हैं, जैसे आपका यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है सेलुलोज एसिटेट। अब यहाँ पर हम प्रेशर बहुत ज़्यादा डालते हैं तो जो नॉर्मल एनिमल और वेजिटेबल मेम्ब्रेन होती है वो फट जाने का डर रहता है, इसलिए हम वहाँ पर और ज़्यादा मजबूत, जैसे सेलुलोज एसिटेट ये एक सिंथेटिक होती है, सेमी सिंथेटिक भी कह सकते हैं क्योंकि सेलुलोज नेचुरल है, एसिटेट आपका सिंथेटिक है, तो ऐसी हम वहाँ पर SPM यूज़ करते हैं जो थोड़ा कंपैरेटिवली मजबूत हो। अब यहाँ पर कुछ न्यूमेरिकल दिए हुए हैं प्रैक्टिस के लिए, आप लोग इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। ये वेपर प्रेशर से रिलेटेड है, ये बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड है, ये आपका फ्रीजिंग पॉइंट से रिलेटेड है, इसको मेल्टिंग पॉइंट को गलत किया हुआ है, इसको फ्रीजिंग पॉइंट कर लीजिएगा यहाँ, ठीक है, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट तो होता ही नहीं, तो मेल्टिंग पॉइंट तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ नहीं है, तो ये फ्रीजिंग पॉइंट है और बाकी का ये ऑस्मोसिस से दिया हुआ है, तो इसको आप अच्छे से करने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर आकर आपका जो चैप्टर है आपका सॉल्यूशन वो बिल्कुल फिनिश हो जाता है, क्योंकि इसी जो वर्तमान सत्र जो सेशन जो चल रहा है उसमें रिवाइज सिलेबस के अकॉर्डिंग एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास को चैप्टर से रिमूव कर दिया गया है, तो यहाँ पर हमारा चैप्टर पूरा हो जाता है और आज की वीडियो भी पूरी हो जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि फ्यूचर में भी आपको इस तरह की कुछ वीडियोस मिलती रहें। और दिस इज़ योर होस्ट एंड दोस्त एंड योर केमिस्ट्री टीचर और फिर नाम साइनिंग ऑफ टुडे, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, थैंक यू ऑल।